हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे किस खिलाड़ी को टीम में जगह दी गई है, किसको टीम से बाहर कर दिया गया है। साथ में आपको बताएंगे तीनों फॉर्मेट की पूरी टीम का फुल स्क्वाड भी, और आपको बताएंगे सीरीज का पूरा शेड्यूल भी। तो इन सब जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो अब बात करते हैं कि किस खिलाड़ी को टीम में जगह दी गई है, किसको टीम से बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, रोहित शर्मा और ईशान शर्मा को फिटनेस संबंधी कारणों के चलते किसी भी टीम में जगह नहीं दी गई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान रोहित शर्मा की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, और सिमिलर सिचुएशन भी ईशान शर्मा के साथ हुआ था, जो बहुत पहले ही वो IPL से बाहर हो गए थे। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार को भी चोटिल होने के कारण टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं दोस्तों, नवदीप सैनी पहली बार टेस्ट टीम में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, और T20 में वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। वरुण चक्रवर्ती फिलहाल IPL में KKR टीम का हिस्सा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं फिलहाल के मैचों में। तो दोस्तों, ये तो हो गई किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है और किन को बाहर कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं तीनों फॉर्मेट की फुल स्क्वाड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के T20 टीम के बारे में। तो इसमें शामिल हैं विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है रोहित शर्मा की जगह पे। तो KL राहुल उप कप्तान और विकेट कीपर हैं, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, दीपक चहर और वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, ये तो हो गई टीम इंडिया का T20 टीम। अब बात करते हैं टीम इंडिया के वनडे टीम की। तो इसमें हैं विराट कोहली कप्तान, शिखर धवन, शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया है, KL राहुल उप कप्तान होंगे, और श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर। दोस्तों, ये थी टीम इंडिया का वनडे टीम। और टीम इंडिया के टेस्ट टीम की अगर बात करें तो इसमें शामिल हैं विराट कोहली कप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शाह, KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान होंगे टेस्ट टीम का, हनुमा बिहारी, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा विकेट कीपर, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और मोहम्मद सिराज को भी पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। तो ये तो हो गई दोस्तों तीनों ही फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम की अलग अलग स्क्वाड। अब बात करते हैं सीरीज का पूरा शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले वनडे मैच खेले जाएंगे। तो पहला वनडे मैच 27 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा वनडे मैच 29 नवंबर को सिडनी में ही खेला जाएगा, और तीसरा 1 दिसंबर को ओवल में खेला जाएगा, मानुका ओवल में। तो ये तो हो गई वनडे सीरीज के बाद तीन वनडे मैच खेले जाने हैं, और पहले वनडे मैच ही खेले जाएंगे, उसके बाद फिर T20 सीरीज खेला जाएगा। तो पहला T20 मैच 4 दिसंबर को होगा ओवल में, उसके बाद दूसरा होगा 6 दिसंबर को सिडनी में, और फिर 8 दिसंबर को ही तीसरा T20 मैच खेला जाएगा सिडनी में भी। अब टेस्ट सीरीज शुरू होगी 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा एडिलेड में, और फिर दूसरा टेस्ट खेला जाएगा 26 से 31 दिसंबर के बीच मेलबर्न में, फिर तीसरा टेस्ट होगा 7 से 11 जनवरी सिडनी में, और फिर चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा 15 से 19 जनवरी के बीच ब्रिसबेन में। दोस्तों, ये तो हो गई भारतीय क्रिकेट टीम की पूरी जानकारी मैच शेड्यूल के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।